नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं ईपीएफ से संबंधित एक बड़ी खबर। सरकार ने इकोनॉमी में ब्याज दरों में मजबूती बढ़ाने के लिए ज्यादातर बचत योजनाओं यानी सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, जिन्हें इनकम टैक्स लाभ नहीं मिलता है। जबकि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि के लिए ब्याज दर को बरकरार रखा गया था। 5% तक का डिपॉजिट अमाउंट के साथ साथ एनएससी यानी राष्ट्रीय बचत ब्याज दर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और किसान विकास पत्र यानी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केवीपी जहां अर्न इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल है उसमें 1.1% तक की बढ़ोतरी की गई है। ये कुछ स्कीम्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स में लगातार वृद्धि की दूसरी क्वार्टर है। ये 9 सीधे क्वार्टर्स के लिए स्टेटस को या अनचेंज्ड रेट्स को फॉलो करता है। छोटी बचत योजनाओं के लिए इंटरेस्ट रेट्स क्वार्टर बेसिस पर की जाती है। डिवीजन के साथ पोस्ट ऑफिस में 1 साल के टर्म डिपॉजिट पर 2 साल यानी कि 6.8%, 3 साल यानी 6.9% और 5 साल यानी 7% के लिए 6.6% ब्याज मिलेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जनवरी से मार्च के समय के दौरान 40 बेसिस पॉइंट्स और ज्यादा 8% अर्न करेगी। सरकार ने ब्याज दरों में 7.2% की बढ़ोतरी की है जिससे 120 महीनों में मैच्योरिंग हो रही है। मंथली इनकम स्कीम 40 बेसिस पॉइंट से 7.1% अर्न करेगी जबकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 7.6% पर बरकरार रखी गई थी और सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ के लिए इसे 7.1% पर अनचेंज्ड रखा गया है। सेविंग डिपॉजिट्स पर सालाना 4% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। रिजर्व बैंक ने मई से बेंचमार्क लेंडिंग रेट को 2.25% बढ़ाकर 6.25% कर दिया है जिससे बैंकों को डिपॉजिट पर भी ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिला है। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में रेपो रेट या शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। कुल मिलाकर आरबीआई ने इस साल मई से बेंचमार्क दर में 2.25% की बढ़ोतरी की है। आज की न्यूज में इतना ही। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।